लखनऊ के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, बेंगलुरु और चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं उसमें किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, किसी टीम के लिए प्लेऑफ के समीकरण बनाती है तो किसी के लिए बिगाड़ती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इसे मुकाबला नहीं महामुकाबला कहिए, क्योंकि दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला था, दिल्ली कैपिटल के लिए तो खास तौर पर। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत तो इनकी बहुत खराब रही थी, जहां पावर प्ले में डोमिनेट नहीं कर पाए और उसके बाद 6-7 विकेट तो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आखिर के ओवर में आयुष बदौनी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 167 रन तो वो बना लेते हैं, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की शानदार पावर प्ले घटा। भले ही डेविड वार्नर जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ का शॉट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छी बल्लेबाजी रही और आखिरकार दिल्ली कैपिटल को अंतिम ओवरों में इस मुकाबले को जीत मिलती और दिल्ली की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया। दिल्ली की इस जीत से उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन कैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस की नींद उड़ाई है। प्लेऑफ में कौन सी टीमें जगह बनाने को है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्या कहते हैं पॉइंट्स टेबल के यहां से समीकरण प्लेऑफ में जाने के, चलिए बताते हैं आपको सारी टीमों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं फाइनल में आप किन दो टीमों के बीच में मुकाबला चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उस टीम के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, या फिर अपनी फेवरेट टीम जिसे आप सपोर्ट करते हैं उसका नाम भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आता है। दिल्ली कैपिटल की उस जीत ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अब पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, केवल एक मुकाबला जीता है और 5 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में आखिरी पायदान 10वें पायदान पर है। केवल एक जीत मिली और वो मिली पंजाब किंग्स के खिलाफ। पिछले 4 लगातार मुकाबले हारे हैं, फिर कोलकाता, लखनऊ, राजस्थान और मुंबई इंडियंस से इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मैथमेटिकली समीकरण तो बनते हैं। दरअसल 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से अगर ये टीम 7 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में आपको ये टीम देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा केवल मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है, प्रैक्टिकली आरसीबी की जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही है पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से मैं अगर आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है तो फिर आप कहेंगे बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद कोलकाता से है, फिर भी गंभीर है, और फिर हैदराबाद से है तो फिर डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। मतलब अगले 3 बड़े मुकाबले बड़ी टीमों से हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक तो वैसे भी बहुत दूर हो गया है, ऊपर से ये 3 मुकाबले इनका भविष्य तय कर देगा, ऑफिशियली बाहर हो जाएंगी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन समीकरण तो यही बनते हैं कि बचे हुए 8 में से 7 मुकाबले जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली जीत के बाद 6 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबलों में जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। वैसे आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल काफी अच्छा खेलती है, जिसकी वजह से इनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर आई है। दरअसल शुरुआत में इतने मुकाबले हार गए थे कि मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उस बीच ये जीत मिलना टीम के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से अगर ये टीम 6 मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अगेन मैं कहूंगा मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है, प्रैक्टिकली यहां बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ा खेल दिखाना होगा प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। 8 में से 6 इतना बातों से नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत शानदार खेल दिखाना होगा। और वैसे देखा जाए तो बेंगलुरु के साथ दिल्ली कैपिटल भी रेड जोन में ही नजर आती है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर बनी हुई है। पिछला एक मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ हार कर ये बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। दरअसल प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। मैथमेटिकली बहुत ज्यादा इजी लगता है 9 में से 6 जीतना, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुश्किलें तब बढ़ जाएगी क्योंकि इनका अगला मुकाबला राजस्थान से है, फिर मुंबई इंडियंस से है, तो यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन 9 में से 6 प्लेऑफ में इन्हें ले जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ में ये 7th पोजीशन पर बने हुए हैं। मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दरअसल अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से अगर ये टीम
छह मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। यानी मुंबई इंडियंस के लिए भी अब रास्ता काफी हद तक ठीक ठाक नजर आता है और इन्होंने पिछले दो मुकाबले लगातार जीते हैं। दिल्ली कैपिटल से जीता है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जीता है, तो बड़ी टीमों को हरा कर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत के तीन मुकाबले जरूर हार गए थे और वहां बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी, लेकिन बैक टू बैक दो विन इनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। और इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है, तो वो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। तो मुंबई इंडियंस अब राहत की सांस ले सकते हैं उनके फैंस। फिलहाल पॉइंट टेबल में सिक्स्थ पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। छह मुकाबले खेले हैं, तीन मुकाबले जीते हैं, तीन ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और छह पॉइंट के साथ में ये टीम सिक्स्थ पोजीशन पर ही है। मतलब इनके साथ 6-6 का आंकड़ा चल रहा है। गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी खबर यह रही कि पिछला मुकाबला राजस्थान को राजस्थान में ही हराकर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इनका भी सातवें आसमान पर बना हुआ है, लेकिन गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी आठ मुकाबले खेलने हैं और आठ में से पांच मुकाबले भी जीतते हैं तो ये टीम वहां जगह बना जाएगी। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है, फिर पंजाब से है, फिर दिल्ली कैपिटल से है और फिर लगातार दो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी टीमें नहीं है जो बहुत ज्यादा लाइन में नजर आ रही है, उनसे इनका सामना नहीं है। तो यहाँ गुजरात टाइटंस के लिए प्रैक्टिकली देखें तो बहुत इजी हो जाएगा अगर ये आने वाले इन मुकाबलों में अच्छा करते हैं। तो पॉइंट टेबल में फिफ्थ पोजीशन पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने पांच मुकाबले खेले हैं, तीन मुकाबलों में जीते हैं और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और छह पॉइंट के साथ में ये पांचवें पायदान पर है। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम के लिए भी वही समीकरण है कि बचे हैं आपके पास नौ मुकाबले और नौ में से पांच मुकाबले भी अगर ये टीम जीतती है, क्योंकि तीन ये ऑलरेडी जीत चुकी है, तो नौ में से पांच मुकाबले भी जीतते हैं तो आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, इसमें कोई दोहराई की बात होने वाली है नहीं। इसलिए सनराइजर हैदराबाद आपके लिए समीकरण थोड़े आसान नजर आते हैं, आप ग्रीन जोन में नजर आते हैं। पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स आ चुकी है, इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक पायदान नीचे आ गए। दरअसल पांच में से तीन मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं और दो मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर यह है कि शुरुआत में तीन जीत मिल चुकी थी, जिसकी वजह से यह टीम अच्छी पोजीशन पर थी। दरअसल बेंगलुरु और गुजरात को हराकर अच्छी पोजीशन पे आ गई थी। अब दिल्ली के खिलाफ मिली हार के बाद इनके लिए समीकरण यह है कि इस टीम को अभी भी नौ मुकाबले खेलने हैं और नौ में से पांच मुकाबले जीतना इनके लिए आसान रहेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि नौ में से पांच लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसा कर सकती है। कॉन्स्टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, इन्हें एक पॉइंट्स का फायदा हुआ है। दरअसल ये लखनऊ की हार के बाद ऊपर चले गए हैं और तीसरा पायदान पकड़ लिया है। इस टीम ने भी पांच मुकाबले खेले हैं, तीन मुकाबलों में जीत मिली है, दो मुकाबलों में हार मिली है और छह पॉइंट के साथ में ये तीसरा पायदान पकड़ कर बैठे हुए हैं। दरअसल पिछला मुकाबला कोलकाता के खिलाफ जीते हैं और उनके लिए उसके बाद अच्छी खबर आई है। इस टीम को भी अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए नौ मुकाबले खेलने हैं और उसमें से पांच मुकाबले जीतने होंगे। नौ में से पांच जीत गई तो रुद्राज की ये टीम आपको प्लेऑफ में नजर आएगी। लेकिन पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर का नाम आता है। कोलकाता नाइट राइडर ने अब तक चार मुकाबले खेले हैं, तीन मुकाबले जीते हैं और केवल एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। छह पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर काबिज है। पिछला मुकाबला ये जरूर चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए, लेकिन उसके पहले ये तीन लगातार मुकाबले जीते थे और जिसके बाद इनके लिए बड़ी अच्छी खबर आई थी। लेकिन अब इस टीम के लिए समीकरण यही है कि इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 में से 5 मुकाबले भी इन्होंने जीत लिए तो ये प्लेऑफ में नजर आएंगे। तो 10 में से 5 जीतना इनके लिए तो आसान रास्ता लगता है कोलकाता नाइट राइडर के लिए, तो ये प्लेऑफ में मानो एक पैर रख चुके हैं। और पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल है, पांच मुकाबले खेले हैं, चार मुकाबले जीते हैं, केवल एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आठ पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान को पकड़ चुके हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी, जी हां अभी भी, नौ मुकाबले खेलने हैं और नौ में से अगर ये टीम चार मुकाबले भी जीतती है ना तो भी ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी। अब नौ में से चार राजस्थान के लिए तो बहुत आसान लगता है और पिछला मुकाबला जरूर गुजरात के खिलाफ हारे थे, लेकिन उससे पहले लगातार चार जीतने ने मानो प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा करे। इनफैक्ट एक पैर यहां से इनका प्लेऑफ में नजर आता है। यहां से देखेंगे तो पाएंगे दो टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी हैं और उसके साथ में दिल्ली है, मुंबई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, इनकी थोड़ी मुश्किलें शुरुआत से बढ़ती नजर आ रही है।